The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar. Namaskar, I am Dr. Parlamjit. You are Dr. Education. Friends, garlic. के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इट्स अ वेरी गुड थिंग इसको रोज़ खाना चाहिए अच्छा है और इसके हज़ारों वीडियोस हज़ारों इसके आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे देखा होगा और इसके बारे में आज हम जो बताने चाह रहे हैं वो कोई सिर्फ ये नहीं है कि इसके क्या फ़ायदे हैं बिकॉज़ यस yes, एक अच्छी चीज़ के बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं और ना सिर्फ खाने को पकाने के लिए फ़्लेवर के लिए स्किन पे लगाने के लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए ब्लड प्रेशर के लिए हार्ट के लिए खून की नसों के लिए इनको इसको गार्लिक को दवाइयों के हिसाब से कई सालों से यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनली ठीक है और चाहे चाइनीज़ इजिप्शियन जापनीज ग्रीक रोमन सारी जो लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है आज तक बट एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ जाती है और वाई वी हैव टू टेल यू अबाउट गार्लिक हमें क्यों गार्लिक पे वीडियो बनाना पड़ता है जब इसके बारे में गलत फहमी बढ़ जाए राइट ऑब्वियसली गार्लिक हार्ट के लिए अच्छा है इसके लिए कोई दो नहीं है जबकि इस पर रिसर्च अगर करेंगे तो भी आपको इसमें बेटरमेंट मिलेगी कि येस इट कैन अगर हम रिसर्च देखें तो इट कैन रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल एल डी एल कोलेस्ट्रॉल्स कम करता है तो येस इट विल हेल्प यू के हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस को भी ये uh, कह लीजिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है राइट इट इज़ गुड फॉर दैट बट जब हम ये सुनने हैं ऐसे आप मानेंगे हमने ये तक सुना है कि लोग हार्ट अटैक के टाइम पर ये बोलते हैं कि आप ऐसा करो हार्ट अटैक आ रहा है आप बस लसन की कलियाँ खा लीजिए तीन चार तीन चार कलियाँ खा लो आपका हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा नाउ दिस इफ इट वड हैव बीन ट्रू अगर सच होता तो भाई इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं बट ऐसा नहीं है दैट इज़ द आइडिया फिर अगर वो इंसान जिसको हार्ट अटैक हो रहा है वो केवल गार्लिक खा के घर बैठ जाए सोचो so, फिर उसके हार्ट में अटैक चल रहा उसकी जान पे खतरा उसके हार्ट को डैमेज परमानेंटली हो सकता है जो छः घंटे का रिवर्सल टाइम है वो रिवर्सल टाइम हंड्रेड परसेंट उसका हार्ट रिवर्स हो सकता था अटैक के डैमेज हंड्रेड परसेंट रिवर्स नहीं पाएगा राइट सो गोल्डन पीरियड विल गेट लॉस बिकॉज ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन राइट वी हैव टू अंडरस्टैंड कौन सी चीज कितनी अच्छी है बिल्कुल अच्छी चीज़ को बुरा नहीं बोल रहे लेकिन उसका यूज़ भी आपको समझना पड़ेगा राइट right? उसका यूज़ आपको समझना पड़ेगा कि वो कहाँ तक फायदेमंद है कहाँ नहीं तो so गार्लिक क्या है गार्लिक एक लिली uh, प्लांट फैमिली के का एक बल्ब होता है जो खा सकते हैं एडिबल बल्ब होता है ट्रेडिशनली बताया गया उसको पूरी दुनिया में आप इस्तेमाल करते हैं खाने बनाने के लिए और हार्ट के लिए खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के लिए इसे बहुत कॉमनली यूज़ होता है इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हुआ है रिसर्च बताता है कि गार्लिक को इस्तेमाल करने से हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हाइपर और हाइपर टेंशन यानी ब्लड प्रेशर में फायदा मिलता है राइट अब इसमें लेकिन कुछ जगहों पे कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब कहीं बहुत फायदा कहीं फायदा दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है तो मोस्ट रिलायेबल रिजल्ट आपको जो दिखे वो दिखे कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल और एल डी एल लाइपोप्रोटीन एल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सो so, जो लोग गार्लिक रेगुलरली खाते हैं अपने खाने में या वैसे ही कई लोग सुबह उठ के तीन चार कलिया गार्लिक की यानी लसन की खाते हैं वो भी अच्छा है उसमें आपका एल डी एल लेवल्स कम होते हुए दिखेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल कम होते हुए दिखेंगे लेकिन वो भी तब दिखेंगे जब उसे आठ हफ्ते के ऊपर खाएंगे रेगुलरली आठ हफ्ते तक खाएंगे तब आठ हफ्ते से पहले कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखता और साथ ही रिसर्च में ये देखा गया है एच डी एल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स पे उसका कोई असर दिखता नहीं है इसलिए मिक्सड रिजल्ट है ठीक है एच डी एल पर इफेक्ट नहीं दिखता है ट्राइग्लिसराइड पर नहीं दिखता है और आपको पता होना चाहिए एच डी एल जब कम होता है तो भी हार्ट के ऊपर रिस्क बढ़ जाता है राइट right? सो so, सिर्फ गार्लिक खाने से काम नहीं होगा आपको और भी चीज़ें करनी पड़ेगी एक्सरसाइज डाइट फनाना ढंगाना हार्ट के प्रिवेंशन प्रॉपर लाइफ स्मोकिंग बंद दुनिया भर की हार्ट की हमने वीडियोज बना रखी हैं बट तो आज बात है गार्लिक की सो so, गार्लिक के सप्लीमेंट भी आ गए हैं गार्लिक के आपको कैप्सूल भी मिल जाएंगे गार्लिक के आपको पाउडर भी मिल जाएंगे और यस उसमें ब्लड प्रेशर को भी फायदा देखा गया है और दो एविडेंस उसका कम है मगर फायदा होगा उसमें ये देखा गया था एक रिसर्च में कि गार्लिक अगर रेगुलरली लेते हैं तो एक तरीके का गैस्ट्रिक कैंसर पेट का कैंसर का रिस्क भी हल्का सा कम हुआ है यह देखा गया ऑल इसके जो एविडेंस है वो वेजिटेबल्स के हिसाब से खाने में डाल के जब लेते हैं जैसे अनियन और अपना गार्लिक जिंजर ये सब डाल के तब ज्यादा बेटर रिजल्ट देखे गए ठीक है so, सो प्रॉपर खाने में आप अपने गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरीके से गैस्ट्रो इंटस्टाइनल कैंसर्स के चांसेस कम होते हैं और कई लोग इसे एक जनरल कि आपको सर्दी खांसी होगी तब भी गार्लिक कम करेगा वो भी बोलते हैं मगर एक्चुअली इसका रिसर्च में कोई खास एविडेंस नहीं मिला उसके बाद पहला सवाल आता है कि क्या ये हार्ट की ब्लॉकेजेस खोलता है तो जी नहीं ये हार्ट की ब्लॉकेजेस नहीं खोलता ये हार्ट की ब्लॉकेजेस को बढ़ाने वाला एलडीएल को कम करता है तो अगर आपकी हार्ट में ऑलरेडी ब्लॉकेजेस हो चुकी हैं तो ये उसको कुछ नहीं करेगा ये सिर्फ आपके एल लेवल को हल्का सा कम करेगा अब इसमें भी बहुत बड़े सवाल हैं अगर आपका एल लेवल सौ के आसपास है तो वो ठीक है अगर आपका हार्ट एल डी एल से कम है सत्तर से कम है और एच अच्छा हाई है तो ये देखा गया है इतने में मेंटेन रहने पे जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये भी हल्के हल्के कम हो सकते हैं ब्लॉकेजेस अगर मान लीजिए किसी की खून की नस में 70 अस्सी परसेंट ब्लॉकेज है 70 परसेंट ब्लॉकेज है स्टंट नहीं दवा पे रखा हुआ है तो वो ब्लॉकेज खुद से कम नहीं होगा लेकिन अगर एल लेवल उसका सत्तर से कम मेंटेन करते हैं चाहे इस कोलेस्ट्रॉल की दवा लेके चाहे गार्लिक खा के चाहे नेचुरली ही, ही तो उसका वो ब्लॉकेज कम होते दिखता है कैसे देखा अल्ट्रासाउंड से देखा इंट्रा वेस्कुलर अल्ट्रासाउंड हैं उसमें थिकनेस देखी जा सकती है मगर गायब नहीं होता जो आपने वीडियोस में देखे ना ये पहले बड़ा बंद बंद खुला और फिर गायब ब्लॉकेज खोल दो तो ऐसी कोई तरीका नहीं है चाहे हम दवा डालें चाहे स्टंट डालें चाहे सीचरेशन करें चाहे कुछ करें वो ब्लॉकेज को गायब नहीं कर सकते हाँ एल लेवल सत्तर से नीचे होता है तो कम होते हुए दिखा कितना लंबे समय पर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम बीस दस से बीस सो दस से बीस ब्लॉकेज आपकी कम हो सकती है अगर आपका एल डी से नीचे है बाई थ्रू मेडिसन्स थ्रू वट एवर वे यू पॉसिबल अगर मेडिसिन से रखते हैं तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी बैलेंस में रखने पड़ते हैं राइट सो दस से बीस परसेंट बताओ सत्तर का पचास हो जाएगा मगर बशर्त है कि बाकी चीज़ें भी नहीं कर रहे हैं अगर वो सत्तर जिस कारण से हुआ है स्मोकिंग की वजह से सत्तर हुआ है स्मोकिंग चल रही है तो वो फिर भी बढ़ेगा इनएक्टिव लाइफ स्टाइल की वजह से हुआ है फिर भी बढ़ेगा सो so, सवाल ये है एक अच्छी चीज़ करने से दो बुरी चीज़ नहीं बैलेंस हो जाती सो so, गार्लिक खाना अच्छा है मगर हार्ट का इलाज अकेला गार्लिक नहीं है बट यस इज इट सेफ टू ईट गार्लिक एक्स्ट्रा गार्लिक चार खा लूँ पाँच खा लूँ दस खा लूँ रोज खा लू कब्सूल खा लूँ सप्लीमेंट ले लूँ उसके क्या रिस्क है क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं नॉर्मली अगर आप जो खाने में डालने वाला गार्लिक खाते हैं दैट इज ऑब्सूलिटली सेफ उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी किसी को बहुत ज्यादा लसन दरक वाली चीज़ों के गैस हो सकती है दैट इज ओनली थिंग तो गार्लिक के सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो इसमें सेफ्टी लेवल्स बहुत बहुत अच्छे आ, रिसर्च में देखे नहीं मतलब अभी क्लियरिटी है इसकी खासकर प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग पे आपको सप्लीमेंट्स क्योंकि हाई डोज में हो जाते हैं वहां पे आप ये नाल लें तो ज्यादा बेहतर है साइड इफेक्ट क्या हो सकती है ब्रेथ प्रॉब्लम बॉडी ऑर्डर गैस हार्ट बर्न स्टमक अपसेट खासकर अगर रॉ गार्लिक लेते हैं तो और ज्यादा किसी किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है बहुत रेयर किसी किसी को बहुत ज्यादा गार्लिक सप्लीमेंट लेने से ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ सकता है खासकर अगर आप किसी प्रकार का एंटी कोवैगुलेंट ब्लड थिनर वाली गलदगोली खा रहे हैं इकोस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल नहीं हम बात so, कर रहे हैं वफरीन जैसी ऐसी दवाइयों राइट सो और खासकर अगर आप सर्जरी करना किसी प्रकार का ऑपरेशन होना है आपका तो भी आप गार्लिक सप्लीमेंट को अपने बंद करें थोड़े टाइम के लिए तो गार्लिक सप्लीमेंट इन चीजों में इंटरफेयर कर सकते हैं और कुछ और दवाइयां हैं जिनमें गार्लिक सप्लीमेंट इंटरफेयर कर सकते हैं जैसे एच की दवाई और एच सबको होता नहीं है तो एचआई वाले लोगों को दिमाग में रखना है बट ओवरऑल गार्लिक और गार्लिक सप्लीमेंट्स आपके लिए सेफ हैं मगर ध्यान में रखिएगा इससे कुछ चमत्कार नहीं होगा थोड़ा सा आपकी हेल्प होगी एल लेवल थोड़े कम होंगे मगर एल लेवल बढ़ें क्यों है बैड लाइफ गंदा बैड फूड आउटसाइड फूड राइट जंक फूड वो नहीं बंद होगा तब तक कोई फायदा नहीं राइट right? एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर ले लेने से घर में गंदगी फैलाना बंद करना वो बंद है, वो भी वो भी करना ही पड़ेगा राइट right? अगर घर में आप गंदगी फैलाते हैं कहीं भी कचरा फेंकते हैं तो सफाई करने के लिए अच्छी चीज़ ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं फेंकते रहोगे तो भी सही चलेगा सो तो अपने शरीर को साफ रखने के लिए एक हेल्दी लाइफ आपको अपने हेल्थ को अपने हाथ में लेना होगा अपने हेल्थ में क्या गड़बड़ है कौन सी चीज़ आप गलत करते हो कौन सी चीज़ सही करते हो अपने डॉक्टर से डिस्कस करना होगा रेगुलर हेल्थ चेकअप कराने होंगे एक हेल्दी लाइफ अच्छी एक्सरसाइज डाइट अच्छी नींद बैलेंस डाइट अपने हेल्थ चेकअप रेगुलर ये कराने होंगे तब हार्ट को प्रिवेंशन होगा और ये थॉट कि हार्ट अटैक में गार्लिक की कलियाँ या लसन की कलियाँ खा लेंगे तो हार्ट अटैक खुल जाएगा एब्सुलूटली रबिश है इसके चलते अगर कोई आपको बोलता है तो इसको ये वीडियो दिखा दीजिएगा ठीक है सो दैट इज द होल एविडेंस विच इज अवेलेबल ऑन गार्लिक ठीक है और इसके अलावा हजारों बेनिफिट्स आपको गार्लिक के लोग कहते हुए दिख जाएंगे यहाँ दिखा वहाँ दिखा इसने कह दिया उसने दिया ऑल आर मोस्टली हेयर सी हेयर सी का मतलब इसने बोल दिया उसने बोल दिया ठीक है सो so, गार्लिक इज गुड फॉर दीज थिंग्स बैड फॉर दीज थिंग्स दिस इज द एविडेंस साइंस सेज अबाउट गार्लिक राइट right, ऐसे वीडियोज़ अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इस चैनल पर हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको दी जाती है किसी एक डॉक्टर का ओपिनियन नहीं दिया जाता ये यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से आपको नॉलेज दी जाती है जो पूरी दुनिया भर के इंसाइस नॉलेज इकट्ठा करके वहाँ पर रिकमेंडेशन बनाते हैं सो दैट्स दी ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज हेल्थ लिटरेसी कृपया इस काम में आप अपना हाथ बटाएं इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जितना हो सके नॉलेज बढ़ाएं थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हाली